हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। झारखंड होम गार्ड का वैकेंसी आ चुका है फ्रेंड्स, जिसका स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक है। इसके टोटल पोस्ट जो है 638 धनबाद डिस्ट्रिक्ट में निर्धारित की गई है। इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 7वां से लेकर के 10वां वर्ग तक का क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए मैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में आज फुल विवरण बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका विज्ञापन संख्या 1/2023 का है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 638 है। धनबाद जिला में 58 कुल पोस्ट है और बलियापुर में 52 पंचायत बाजे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चाची में 56, बागमारा में 28, टुंडी में 46, पूर्वी टुंडी में 102, गोविंदपुर में 50, निरसा में 64, निगरकुंडा में 100 और कलियासोल में 82, कुल मिलाकर 638, जिसमें पुरुषों के लिए 319 और महिलाओं के लिए भी 319 सीट आरक्षित की गई है। शहरी गृह रक्षक के लिए भी पोस्ट दी गई है। शहरी गृह रक्षक में आपका नगर निगम धनबाद का आ जाएगा, पुरुष के लिए 401, महिला के लिए 401, यानी टोटल 802 पोस्ट। नगर परिषद चिरकुंडा के लिए भी पुरुषों के लिए 19 और महिलाओं के लिए 19, यानी टोटल 38। कुल शहरी क्षेत्र में 420 यानी टोटल 840 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। दोनों कोटी ग्रामीण शहरी के लिए भी 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए पद में 5% पद का आरक्षण दिया गया है। विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदाओं के लिए भी 5% एक्स्ट्रा दी गई है। शहरी कुल रक्षकों में रिक्त में 50% पद जो है उम्मीदवारों के लिए योग्य होगा। उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष रिक्त की दूसरी भरी जाएगी। अहर्ता, इसमें उम्र सीमा निर्धारित की गई है कि 1 जनवरी 2023 को उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष होना चाहिए, यानी जन्म तिथि जिसका 1 जनवरी 1983 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के बीच का होना चाहिए। जन्म हेतु मान्य कागजात प्रमाण पत्र मैट्रिक या मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा। सातवीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का हस्तांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेज पेश करना हो। जो विद्यार्थी सातवीं पास हैं उसको जन्म प्रमाण के लिए विद्यालय का हस्तांतरण प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास चाहिए और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो है 10वीं पास, यानी ग्रामीण के लिए 7वीं और शहरी के लिए 10वां पास होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड जो है, शारीरिक लंबाई पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर सॉरी महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है सामान्य ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर। शारीरिक मापदंड में छूट, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 54/42 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच की परीक्षा, दौड़ जो है 5 मिनट पुरुषों के लिए 5 मिनट, 5 से अधिक 6 मिनट तक 10 अंक और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले के लिए अयोग्य माना जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या 8 मिनट से पहले 20 अंक और 8 से अधिक और 10 मिनट से तक के लिए 10 अंक और 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी इसके लिए 1 मील की दौड़ और ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होंगे। हिंदी लेखन क्षमता भी परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा के बाद जो है सातवीं एवं गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा से अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। हेड राइटिंग की भी यहां जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 अंक एवं उत्तीर्ण 30 अंक का। शहरी रक्षकों के लिए अगर स्नातक उत्तक
अगर ग्रेजुएट है तो 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, स्नातक के लिए 8 अंक और इंटरमीडिएट के लिए 6 अंक और मैट्रिक के लिए 4 अंक। आवेदन करने का ऑनलाइन तिथि डेट दिया गया nic.dhanbad के द्वारा 21 फरवरी 2023 से लेकर दिनांक 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन कर पाएंगे। आवेदक ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय में भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपया है, या ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका 100 रुपया फी है। ऑनलाइन आर रिपोर्टल hg.egov.dhn.in पर उपलब्ध लिंक पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने होम गार्ड के लिए धनबाद का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब स्क्रॉल बार करके नीचे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस पोस्ट होम गार्ड रूरल अर्बन, यहाँ नीचे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ क्लिक करें। जैसे कीजिएगा तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, डाउनलोड विज्ञापन, यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए विज्ञापन यहाँ डाउनलोड कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन फिर से आपको दिया जा रहा है, और विज्ञापन नहीं डाउनलोड फॉर्म भरना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रिक्रूटमेंट नेम होम गार्ड रिक्रूटमेंट लीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर ग्रामीण होम गार्ड के लिए तो रूरल होम गार्ड लें, शहरी के लिए तो अर्बन जनरल लें या अर्बन टेक्निकल लें। उसके बाद एप्लीकेंट अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इन करेंगे, उसके बाद सेंड नोटिफिक करके इस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आगे का प्रोसेस प्रक्रिया कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब होम गार्ड के विस्तृत जानकारी मैंने दे दी है। फिर से मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि झारखंड होम गार्ड का वैकेंसी आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट आपका 21 फरवरी 2023 से लेकर के 17 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी ले जाना होगा आपको साइबर कैफे में भरने के लिए फॉर्म, तो सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक मार्कशीट होना चाहिए, अगर सातवां पास है तो सातवां पास मार्कशीट या प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, और एक फोटो और सिग्नेचर, और साथ में आपका मोबाइल भी होना चाहिए। ये था मैंने आपका होम गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में वैकेंसीज का फुल विवरण आपको डिटेल्स बता दिया हूँ।